किस तरीके से इस रोड शो में तमाम लोकसभा क्षेत्रों के अलग अलग कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ। 20 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो है, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन सब के सब पूरे जोश में हैं, पूरे उत्साह में हैं कि 20 किलोमीटर पैदल चलकर जाएंगे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर तक। लेकिन दिलचस्प है तस्वीर राहुल गांधी की, जो कि इस समय इस बस की छत पर खड़े हैं, खुली बस की छत पर, और उनके हाथ में राफेल का एक डमी है। जो पॉलिटिकल पंडित राहुल गांधी को बार बार ये सलाह दे रहे हैं कि देखिए राफेल का मुद्दा आम जनता का मुद्दा नहीं है, आप सरकार के भ्रष्टाचार को राफेल के सहारे मुद्दा बना के चुनाव जीतना चाहते हैं, वो जनता के बीच में उस तरीके से पॉपुलर नहीं हो रहा, तो राहुल गांधी ने उसका तरीका ये निकाला। देखिए हाथ में राफेल का डमी लेकर राहुल गांधी इस बस पर हैं और अपने कार्यकर्ताओं को राफेल के इस मुद्दे के लिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो उनमें नया जोश, नई ऊर्जा, नया उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर उस मुद्दे को लेकर जिस पर लगातार किरकिरी हुई कांग्रेस पार्टी की, कि सुप्रीम कोर्ट के कह देने के बावजूद कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को उठाती रही है, क्योंकि ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी जितनी आगे आ चुकी है उसमें कदम पीछे खींचना पॉसिबल है नहीं। वहां राहुल गांधी देखिए अपने इस रोड शो में, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा लॉन्च हो रही है राजनीतिक तौर पर, पहला सियासी कदम आज उन्होंने लखनऊ की जमीन से रखा है। उस रोड शो में बस पर खड़े होकर राहुल गांधी राफेल की डमी वहां अपने कार्यकर्ताओं के बीच लेकर चल रहे हैं। सीधे तौर पर ये केंद्र सरकार को एक बड़ा मैसेज है कि भले ही चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा का हो या राहुल गांधी का, लेकिन मुद्दा राफेल का जिंदा रहेगा, मुद्दा भ्रष्टाचार का जिंदा रहेगा, मुद्दा वो मैदान में रहेगा चुनाव के, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार अटैक बीजेपी की सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते रहे हैं। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ हैं, रोड शो के साथ साथ सुप्रिया भारद्वाज भी इस समय चल रही हैं। सुप्रिया, किस जगह आप पहुंची हैं और वहां से तस्वीर आपको क्या दिखाई दे रही है, बताइए जरा। सुप्रिया तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस समय जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रोड शो तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी आपको दिखाई पड़ रहे हैं और राहुल गांधी के हाथ में राफेल विमान का डमी है। उन्होंने राफेल विमान की एक तस्वीर काटकर हाथ पर प्लाकार्ड जैसा पकड़ा है और उसके जरिए एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश इस रोड शो से हो रही है आज एक बार फिर से, कि भले ही प्रियंका गांधी चेहरा बन रही हो उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई हो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी संसदीय सीट बनारस भी आती है, जहां पर यह भी सुगबुगाहट है क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव मैदान में वहां से उतार देगी कांग्रेस पार्टी, क्या इतना बड़ा कदम उठाएगी, खासतौर पर तब जब राहुल गांधी ने खुलकर यह कहा कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है, तो फ्रंट फुट पर खेलते हुए क्या वाकई ऐसा कोई स्थिति आएगी, ऐसा ही कोई कदम उठेगा कांग्रेस की तरफ से कि प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के मैदान में आमने सामने हो। लेकिन उसके पहले एक बड़ा संकेत राहुल गांधी की तरफ से, सियासी संकेत, सियासी संदेश देने की कोशिश, हाथ में राफेल का पुतला लेकर, हाथ में राफेल की डमी लेकर, उसका प्लाकार्ड लेकर, के चुनाव के मैदान में राफेल के मुद्दे से वो पीछे हटने वाले नहीं है। भले ही आए दिन जिन जिन बातों को लेकर राहुल गांधी राफेल से जुड़ी मैदान में आए हो, उसको लेकर बीजेपी ने बराबर के हमलावर जवाब दिए हो, भले ही दो दिन पहले राहुल गांधी जिस मीडिया रिपोर्ट को लेकर आए उस पर बीजेपी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि मीडिया रिपोर्ट में आधी मीटिंग की नोटिंग्स का हवाला दिया गया, आधी छुपाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हर नए दिन के साथ कांग्रेस पार्टी राफेल को लेकर एक नया हमला कर रही है, नए कागज सामने आ रहे हैं और आज इस रोड शो के दौरान राहुल गांधी के हाथ में राफेल का डमी भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है।